अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे डबल रोटी से दही बड़े। तीन आलू ले लेंगे और उनको धोकर उबाल लेंगे। जब तक आलू उबल रहे हैं, हम चार ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। पीसेस को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इन पीसेस को हम ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। एक दरमियानी प्याज लेंगे, उसको चॉप कर लेंगे। एक गाजर लेंगे, उसको कद्दूकश कर लेंगे। दो हरी मिर्ची लेके उनको बारीक चॉप कर लेंगे। तीन टेबल स्पून हरा धनिया लेके उसको भी चॉप कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट लेंगे आधा टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे एक टीस्पून। चाट मसाला लेंगे हम हसबे ज़रूरत। नमक भी हम लेंगे अपनी टेस्ट के मुताबिक। और हम लेंगे थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दही हम ले लेंगे दो कप। दही में हम चीनी डालेंगे दो या तीन टेबल स्पून। बड़ों को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा तेल। आलू हमारे उबल चुके हैं, ठंडा करके छिलका उतार के हम मैश कर लेंगे। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तो उसमें हम ब्रेड क्रम्स मिला देंगे, गाजर भी मिला देंगे, बारीक चॉप की हुई प्याज भी शामिल कर देंगे, ज़ीरा, हरी मिर्ची, हरा धनिया भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे। हाथों की मदद से सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। सब चीज़ें यकजान हो जाएंगी, इसमें छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं उसकी शक्ल के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ब्रेड बॉल्स को हम फ्रीज भी कर सकते हैं। ये चले बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में तेल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम बड़ों को तलना शुरू कर देंगे। आँच हम दरमियानी रखेंगे। हमारे ब्रेड के बड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे। किचन टावल पर रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम दही लेंगे और उसमें चीनी और नमक डाल के अच्छी तरह फेंटेंगे। एक सर्विंग डिश में बड़ों को सेट कर देंगे और ऊपर से दही डालेंगे। सर्व करते वक्त इसमें हम डालेंगे हरी चटनी और इमली की चटनी। इन दोनों चटनियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सबसे आखिर में हम डाल देंगे हरा धनिया और चाट मसाला। हमारे नरम नरम ब्रेड के बॉल्स या ब्रेड के दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।